Yes. बराबर देखिए ये यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं जो नीचे हैं हो रखे हैं, तो शायद बारिश में यहाँ पे काफी मुसीबतें हैं आ सकती हैं आदमी को अगर पैदल चल रहा हो तो। एक नेगेटिव पॉइंट है ये बारिश के लिए। एंड और अगर सोचेंगे किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है से। और ये देखो जब गाड़ी सड़क पे चलते हैं ना कितनी अच्छी लगती है, मन मोह लेता है। एक बार गाड़ी थी गाड़ी को देखिए कितना अच्छा लगता है यहाँ पे, अगर गाड़ियाँ आती जाती रहती अच्छा लगता है। तो काफ़ी अधिक मात्रा में चोटियाँ तो यहाँ बहुत हैं, और एक बार ये नज़ारा दिख रहा है आपको, ये सारी चोटियाँ हैं जिस जो सड़क हमने पार की उसके नीचे इतनी बड़ी चोटी थी। तो ये देखिए काफ़ी खतरनाक, अगर आदमी एक बार यहाँ से गिर गया तो समझो बचने का तो कोई चांस नहीं। और ये देखो एक बार ये पेड़ देखिए कितनी अच्छी टहनी है इसकी, ये चीज़ें यही हो सकती हैं बस उत्तराखंड में, इसीलिए उत्तराखंड महान। पेड़ देखिए लोग बोलते हैं सर है तो सब कुछ है इसका, तो ऊपर की साइड तो सब सूख चुका है पर नीचे देखो फिर भी कितनी हेरी। तो ये चीज़ें अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं जो अभी हमने लाइफ में देखी ना हूँ, या कोई रहता है शहरों में रहते जैसे तो अक्सर होता है वो चीज़ें ये नहीं देख पाते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं देख पाते हैं वो, तो इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा ठंडा वातावरण। एक बार फिर ये ऊपर चोटी काफ़ी ऊंची चोटी है, यहाँ से भी अगर कोई शौकीन है तो इस पर चढ़ सकता है, और आधुनिक हथियारों के कारण तो कहीं भी चढ़ा जा सकता है आदमी आजकल तो बस। और ये कुछ मेरे साथी हैं, एक कैमरामैन अनुराग पासवान और एक ये तोताराम दक्षिणी के बिट्टू शर्मा बिट्टू नेगी, और ये संदीप बर्तवाल जो कि मेरे दादाजी के लड़के हैं। तो हम एक टूर पे आए हैं अभी तो, और एक नज़ारा फिर दिखाते हैं आपको। ये पेड़ जिसको बोलते हैं जिसके कई जगह आज भी पांडव नृत्य होता है, तो जो पांडवों के हथियार रहते हैं बाण रहते हैं तो इसी पेड़ के बनते हैं यहाँ गढ़वाल में ज़्यादातर अभी। तो इसको इस पेड़ का नाम है सुना तो मैंने, मैं भूल गया और सॉरी याद नहीं आ रहा। तो एक बार अब बंद, एक बार अब फिर बंद कहीं।